नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचारों पर। शिवरात्रि पर 11 लाख दीपों से रोशन होगी धर्मनगरी उज्जैनी, भव्य आयोजन की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। महाशिवरात्रि पर धर्मनगरी 11 लाख दीपों से जगमगाएगी, हर घर प्रतिष्ठान में दीप जलेंगे, रंगोली बनेगी और आकर्षक विद्युत सज्जा होगी। मुख्य मार्गों पर धर्म ध्वजा लहराएगी, एक दिन पहले शिव बारात भी निकाली जाएगी। तैयारियों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की। सभी ने दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए सुझाव भी दिए। मंत्री ने दीपोत्सव के लिए विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय कोर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। कहा कि ये कमेटी तय करेगी कि आयोजन को किस स्वरूप में मनाया जाए। उन्होंने गुड़ी पड़वा पर उज्जैनी का जन्मोत्सव मनाने की घोषणा की है। कहा कि इसकी तैयारियां भी पहले से की जाना जरूरी है। बाबा महाकाल की नगरी में हमको सबको मालूम है जिस प्रकार से महाकाल मंदिर के आसपास विकास के काम चल रहे हैं, शहर में विकास की एक बयार आ रही है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री के मंशानुसार महाशिवरात्रि को दीपोत्सव के रूप में हम मनाने जा रहे हैं और आज सामूहिक रूप से नगर के गणमान्य नागरिकों की बैठक बुलाई, लगभग 11 लाख दीपक लगाने का निर्णय किया गया है और इस संबंध में विस्तृत तैयारी करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। माने जगदीश पांचाल जी और बाकी सारे मित्रगण उस सब हमारे इसमें लिए गए हैं, जिनके माध्यम से वो पूरी योजना बनाएंगे और योजना को क्रियान्वित करने के लिए वो स्थान आइडेंटिफाई करेंगे, रंगोली और अन्य अन्य किस प्रकार से काम हो सकते हैं। विधायक जैन ने शिवरात्रि से एक दिन पहले शहर में शिव बारात निकालकर दीपोत्सव की सूचना प्रदान करने का सुझाव दिया और एक प्रस्ताव और भी आया कि शिव भगवान की बारात निकलना चाहिए। बारात एक दिन भी पहले भी निकाल सकते हैं जिससे कम से कम उज्जैन में माहौल बने। यदि शिव बारात निकलेगी तो ही मालूम पड़ेगा कि लोगों को, उज्जैन की जनता को, कि कल शिवरात्रि है और उस शिवरात्रि का आनंद भी सब लोग रंगे घूमते हुए निकलेंगे। और मैं चाहता हूँ इसके लिए भी सरकार शायद इस पर विचार करेगी। इसमें मुख्यमंत्री की भी मंशा कि इसी प्रकार के कोई कार्यक्रम होना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि रामघाट सहित अन्य घाटों, सार्वजनिक भवनों और चौराहों पर दीप प्रज्वलन की व्यवस्था समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अपने हाथ में ली जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि महाशिवरात्रि पर्व का जिस हिसाब से बहुत ही विशेष स्थान है उज्जैन के लिए, उसको और ज़्यादा भव्य बनाने के लिए, उसमें जनता की जागरूकता को, जनता की भागीदारी को और ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए एक दीपोत्सव कार्यक्रम का बड़े स्तर पर आयोजन किया जाए और उसी के तहत आज बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि हमारे जितने भी हैं, वो सभी धर्मों के प्रतिनिधि, जितने भी व्यावसायिक संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी के प्रतिनिधि आज मौजूद थे और सभी ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का फैसला भी दी है और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको बनाने की रजामंदी भी दी है। बैठक में नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, उज्जैन विकास प्राधिकरण के CEO SS रावत, स्मार्ट सिटी कंपनी के CEO आशीष पाठक, महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ आदि मौजूद थे। क्षिप्रा तट पर माँ नर्मदा का प्राकट्य उत्सव मनाया गया, माँ क्षिप्रा का दुग्धाभिषेक एवं कन्या पूजन भी सम्पन्न हुआ। माघ माह की शुक्ल सप्तमी को मां नर्मदा जयंती पर शिप्रा तट पर दुग्धाभिषेक जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय, विधायक पारस जैन व गणमान्य जनों की उपस्थिति में किया गया व मां शिप्रा को चुनरी भेंट की गई। इस अवसर पर जन कल्याण की भावना के साथ कन्या पूजन भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पंडित गौरव उपाध्याय ने बताया कि मां शिप्रा में नर्मदा जी भी समाहित है, अतः हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है। जैसा कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मां नर्मदा का प्रकटोत्सव मनाया जाता है, तो हमारे यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी के भागीरथी प्रयास से शिप्रा जी में नर्मदा जी भी समाहित हुई है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ पर श्री रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा और सभी पंडे पुरोहित गण मिल करके मोक्षदायिनी माँ शिप्रा और नर्मदा जी का पूजन करते हैं। इस वर्ष भी हमने यहाँ पर माननीय विभाष जी उपाध्याय,
जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष पारस जी जैन और सभी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हमने यहाँ पर मोक्षदायिनी माँ शिप्रा और नर्मदा जी का दुग्धाभिषेक किया, पूजन किया। उसके बाद संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना को लेकर छोटी कन्याओं का पूजन किया और प्रसाद का वितरण किया। इधर महाकालेश्वर मंदिर के कोटि तीर्थ पर नर्मदा जयंती मनाई गई, साथ ही भजन कीर्तन भी किया गया। शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्र भी चोरों के लगातार निशाने पर है, जिससे पुलिस की निष्क्रियता सामने आ रही है। तराना के श्री रामकृष्ण ज्वेलर्स पर रात्रि 2:30 से 3 बजे के बीच चोरों ने शटर तोड़कर दुकान से 25 से 30 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी उड़ा ली। वहीं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में चोरों के बुलंद हौसले देखे जा सकते हैं। चोरी की घटना में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न करने की बात भी सामने आ रही है। लकड़ी माफिया बेखौफ होकर कर रहे हैं पेड़ों की कटाई, पुलिस चौकी के पास भी काटे वृक्ष। उज्जैन झालावाड़ पाटन मार्ग में इन दिनों वृक्षों की अवैध कटाई जोरों पर चल रही है। बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक संदिग्धता के साथ लकड़ी माफिया आतंक मचा रहे हैं। सूत्रों की माने तो उज्जैन से आगर तक तराना माकड़ोन क्षेत्र वाले ग्राम ढाबला हरदू झलारा पाड़ ग्राम में सड़क किनारे 100 से अधिक वृक्ष साफ कर दिए गए। इतना ही नहीं, पुलिस चौकी के वृक्ष भी काट ले गए। माफियाओं द्वारा माकड़ोन थाना के ग्राम पाट स्थित पुलिस चौकी के 20 फीट दूर 12 से अधिक बेशकीमती वृक्षों को भी काट दिया गया है और पुलिस माफियाओं को नहीं पकड़ पाई। वहीं रेस्ट हाउस के पास लगे नीम के वृक्ष को भी काटा, जिससे रेस्ट हाउस की फेंसिंग टूट गई। मामले की सूचना भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दी गई थी, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कब कटे झाड़िए भैया? 4 रोज हो गए। दिन में कटे या रात में कटे? रात में कटे। आपने आपके अधिकारियों को नहीं बताया? नहीं बताया। बताना था ना आपके, तो हमारे वो अधिकारी के नहीं है ना अंतर्गत, ये पीडब्ल्यूडी के बोला के अंतर्गत नहीं है। रोड पीडब्ल्यूडी बना रही है? बना रही सर, पर वो हमारा अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। आपके ऑफिस के सामने तो सर रात को मैं ड्यूटी नहीं है। अच्छा, रात को कटे? रात को किन की ड्यूटी थी? रात को कोई की ड्यूटी नहीं, कोई किन रहती है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।